हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। फिर से लेके आ चुका हूँ न्यू रिक्रूटमेंट ऑयल इंडिया की तरफ से, जहाँ पे आप लोग एप्लीकेशन कर सकते हो। जो आज की न्यू वीडियो निकल के आया है, जहाँ पे ऑयल इंडिया की तरफ से रिक्रूटमेंट जारी किया गया है, जहाँ पे बहुत सारे वैकेंसीज लेके आया है। इसके बारे में आप लोगों को हर एक चीज़ जानकारी देने वाला हूँ। देखते रहेगा पूरा वीडियो लास्ट तक, यहाँ पर आप लोगों को हर एक जानकारी मिलता रहेगा। एप्लीकेशन करने के लिए हम लोग आवर ऑफिशियल वेबसाइट जो कि स्टडी विथ शोभिक है, उसमें आप लोग के एप्लीकेशन कर सकते हो। तो चलिए देख लेते हैं अपडेट क्या आया है। यहाँ पे ऑयल इंडिया की तरफ से जो रिक्रूटमेंट जारी किया गया, मैनेजर की पोस्ट है, जहाँ पे मैनेजर इसके साथ साथ सुपरिनटेंडिंग की पोस्ट है, सुपरिनटेंडेंट मेडिकल ऑफिसर, सुपरिनटेंडेंट पैरामेडिक, इस तरह की और भी बहुत सारे सीनियर सिक्योरिटी ऑफिसर, बहुत सारे पोस्ट जो है यहाँ पे निकल के आया है। तो आप लोगों को दिखाऊंगा सारे जानकारी। जो फर्स्ट पोस्ट है मैनेजर के लिए, वन पोस्ट निकल के आया है। बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग में होना चाहिए, इसके बाद ही आप लोग एप्लीकेशन कर सकते हो। इसी के साथ साथ जो सुपरिनटेंडेंट की पोस्ट है, यहाँ पे भी टू वैकेंसी निकल के आया है। बैचलर डिग्री होना चाहिए विद 65% मार्क्स। जो SC/ST कैंडिडेट, उनके लिए 60% मार्क्स होने के बाद आप लोग एप्लीकेशन कर सकते हो। सुपरिनटेंडेंट मेडिकल ऑफिसर रेडियोलॉजी के लिए वन वैकेंसी है, यहाँ पे अगर एप्लीकेशन करना चाहते हो। यहाँ पे MD रेडियो डायग्नोस्ट के ऊपर आपको क्वालिफिकेशन चाहिए, जिसके बाद ही एप्लीकेशन कर सकते हो। सुपरिनटेंडेंट मेडिकल ऑफिसर पैरामेडिक के लिए जो पोस्ट है, जहाँ पे आप लोग एप्लीकेशन कर सकते हो। यहाँ पे जो पोस्ट के दिया गया MD इन पैरामेडिक्स के ऊपर, एंड 37 ईयर्स तक आप लोग यहाँ पे एप्लीकेशन कर सकते हो। सेम तरीके से मेडिकल ऑफिसर सीनियर के लिए एप्लीकेशन करना चाहते हो, यहाँ पे वन वैकेंसी निकल के आए। 32 ईयर्स तक आप लोग यहाँ पे एप्लीकेशन कर सकते हो, MBBS पास होना चाहिए। यहाँ पे सीनियर सिक्योरिटी ऑफिसर के लिए अगर एप्लीकेशन करना चाहते हो, वन वैकेंसी 32, ग्रेजुएशन पास होना चाहिए, जिसके बाद ही आप लोग एप्लीकेशन कर सकते हो। सीनियर ऑफिसर सिविल के लिए एप्लीकेशन करना चाहते हो, टू वैकेंसीज है, 27 ईयर्स तक एप्लीकेशन कर सकते हो। बैचलर डिग्री एंड सिविल इंजीनियरिंग में आपको होना चाहिए, जिसके बाद ही एप्लीकेशन आप लोग कर सकते हो। इसके बाद जो पोस्ट आया है सीनियर ऑफिसर इलेक्ट्रिकल के लिए, जहाँ पे आप लोग एप्लीकेशन कर सकते हो। यहाँ पे उसके बारे में भी आप लोगों को बता देता हूँ। यहाँ पे भी आप लोग बैचलर डिग्री होना चाहिए इन सिविल इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के ऊपर, जिसके बाद ही आप लोग एप्लीकेशन कर सकते हो। सीनियर ऑफिसर इंस्ट्रूमेंटर के ऊपर जो पोस्ट आया है, जहाँ बैचलर डिग्री एंड इंस्ट्रूमेंटर के ऊपर इंजीनियरिंग होना चाहिए, 6 वैकेंसीज अवेलेबल है। यहाँ पर आप लोग 27 ईयर्स तक आप लोग एप्लीकेशन कर सकते हो। सीनियर ऑफिसर मेडिकल के लिए वो जो पोस्ट आया है, जहाँ पे एप्लीकेशन कर सकते हो। यहाँ पे अगर बात करें, 20 वैकेंसीज अवेलेबल है। यहाँ पे भी आपको मैकेनिकल के ऊपर आपको बैचलर डिग्री होना चाहिए। सेम तरीके से इंटरनल पब्लिक अफेयर्स एंड सीनियर HR के जो पोस्ट आया है, यहाँ पे भी एप्लीकेशन कर सकते हो। यहाँ पे MBN ग्रेजुएशन पास होना चाहिए। इसी के साथ नीचे जाकर मैं जाता हूँ, तो यहाँ पे भी और भी अपडेट दिया गया है, जहाँ पे आप लोग देख सकते हो। यहाँ पे आप लोगों को बताऊँगा, जो कैंडिडेट एप्लीकेशन करना चाहते जनरल OBC के लिए 500 रुपीज़ फॉर एप्लीकेशन टैक्सेस, एंड SC/ST PWD EWS एक्साइटमेंट के लिए कोई भी एप्लीकेशन फ़ीस नहीं चाहिए। फेज़ वन सिलेक्शन प्रोसेस जो है, रिटेन CBD टेस्ट होने वाला है, फेज़ वन एंड फेज़ टू, जहाँ पे 100 मार्क्स के CBD होने वाला है फर्स्ट राउंड फेज़ वन, एंड फेज़ टू के अंदर ग्रुप डिस्कशन 30% मार्क्स एंड 10% फॉर पर्सनल इंटरव्यू। सेम तरीके से जब सिलेक्शन टेस्ट होने वाला है, यही टेस्ट आपको जो है देना पड़ेगा। और यहाँ पे आप लोगों को बताऊंगा, एप्लीकेशन आपको इस स्टडी विथ शोभिक के ऑफिशियल वेबसाइट में लिंक मिल जाएगा, जहाँ पे आप लोग एप्लीकेशन कर सकते हो। एप्लीकेशन चलने वाला है 15 मार्च 2021 तक, आप लोग यहाँ पे एप्लीकेशन कर सकते हो। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।